बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे राफेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राफेल जो कि अभी भारत आ रहा है 29 जुलाई को। तो दोस्तों, ये किस देश से लिया गया, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी और ये किस तरह से काम करता है, जानेंगे पूरा इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिनके दोनों के ही लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप वहाँ पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स सीधा अपने फ़ोन पर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्या है ये न्यूज़ और किस तरह से ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट अवेटेड राफेल इज़ फाइनली कमिंग टू इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इंडिया में, वो फाइनली इंडिया में आ रहा है। द फर्स्ट बैच ऑफ द मच अवेटेड राफेल फाइटर जेट्स टुक ऑफ फ्रॉम फ्रांस टुडे। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ कल की है, इसलिए हम उसी हिसाब से इस न्यूज़ को बता रहे हैं। दोस्तों, 27 जुलाई को फर्स्ट बैच जो कि राफेल का, जिसको काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था भारत में, उसका वहाँ से टेक ऑफ कर चुका है और भारत की ओर चल दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने इसे ख़रीदा था। इंडिया हैड बॉट 36 ट्विन इंजन फाइटर प्लेन्स फ्रॉम द सॉल्ट राफेल फॉर एन एस्टिमेटेड रुपीज़ 58,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 58,000 करोड़ में 36 ट्विन इंजन फाइटर प्लेन द सॉल्ट राफेल खरीदे थे थ्रू एन इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइंड इन 2016। इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट जो कि 2016 में साइन किया गया था, उसके थ्रू इस राफेल को ख़रीदा गया। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो आप देख सकते हैं पिक्चर, ये राफेल की है और ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में सुंदर भी है। ना सिर्फ सुंदर है बल्कि काफ़ी ज़्यादा घातक भी है उन सभी दुश्मन देशों के लिए जो कि भारत के ऊपर गलत निगाहें बनाए रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो फर्स्ट बैच है उसमें 5 एयरक्राफ्ट होंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स पायलट के द्वारा उड़ाए जा रहे हैं और उन्होंने टेक ऑफ किया फ्रॉम द मेरिग्नैक एयरबेस नियर बारडॉक्स इन फ्रांस। मेरिग्नैक एयरबेस है जो कि बारडॉक्स में फ्रांस में है, वहाँ से इन्होंने टेक ऑफ किया। साथ ही साथ जो फर्स्ट फाइटर जेट है वो ऑलरेडी आ चुका है भारत में अक्टूबर 2019 में ही। साथ ही साथ दोस्तों, एक सेरेमनी हुई थी फ्रांस के अंदर, जिसमें कि राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फ्रांस के मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले, उनके बीच में इस सेरेमनी को अटेंड किया गया उन दोनों के द्वारा। और उसी के बीच ये राफेल जो कि पहला राफेल था वो भारत को सौंप दिया गया अक्टूबर 2019 में। साथ ही साथ दोस्तों, 10 एयरक्राफ्ट डिलीवर होने हैं शेड्यूल टाइम पे, जिसमें कि एक स्टेटमेंट आई है इंडियन एम्बेसी की जो कि फ्रांस में है कि ऑफ दीज 10 5 हैव लेफ्ट फॉर इंडिया। मतलब इन 10 में से 5 ऑलरेडी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, वाइल द अदर 5 विल रिमेन इन फ्रांस फॉर ट्रेनिंग मिशन। जी हाँ दोस्तों, जो बचे हुए 5 हैं वो ट्रेनिंग मिशन के लिए अभी फ्रांस में ही रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये कब भारत पहुँचेंगे, तो ये पहुँचेंगे द फर्स्ट 5 राफेल फाइटर जेट्स विल रीच अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन ऑन वेडनेसडे। जी हाँ दोस्तों, बुधवार यानी कि 29 जुलाई को ये पाँचों के पाँचों राफेल अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर आ जाएंगे और इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी रिक्वायर करेंगे। मतलब इतना लंबा सफ़र है तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे कि फ्यूल की कोई कमी ना हो और ईजीली यहाँ तक आ सके। साथ ही साथ दोस्तों, वाइल द डिस्टेंस कैन बी कवर्ड विद इन अ डे एज वेल, जबकि जो डिस्टेंस है वो एक दिन में भी कवर किया जा सकता है विद द रिफ्यूलिंग, लेकिन ये प्लान किया गया है कि ये जो जेट्स हैं वो एक स्टॉप लेंगे कहाँ पर, UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। साथ ही साथ दोस्तों, वहाँ से ये जाएंगे अल दाफरा फ्रेंच एयरवेज नियर अबू धाबी। अल दाफरा एयरबेस है फ्रांस का, वो भी अबू धाबी में, वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा और वहाँ से ये टेक ऑफ करेंगे अम्बाला के लिए ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग।
साथ ही साथ दोस्तों, क्या सभी राफेल जो है वो एक समान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। द जेट्स इंडिया हैज़ बॉट आर अ मिक्स ऑफ सिंगल सीटर एंड टू सीटर प्लेन्स। द जेट्स ऑन दियर वे टू इंडिया आर ऑल्सो अ मिक्स ऑफ बोथ। मतलब उनमें सिंगल सीटर भी है प्लेन्स हैं और टू सीटर प्लेन्स भी हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इंटरेस्टिंगली द ट्विन सीटर एयरप्लेन्स हैव द करंट एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया इनिशियल। जी दोस्तों, जो टू सीटर जो प्लेन है उसका जो करंट जो नाम रखा गया है वो कि कहीं ना कहीं उसमें हमारे करंट के जो एयरफोर्स चीफ हैं एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया उनके नाम से शुरू होता है। आर बी आर के एस भदौरिया आर आर से राकेश फिर भदौरिया आर बी यूज़ किया गया है एज ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन नेगोशिएटिंग द डील। जिससे कि उन्होंने इस डील में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इसलिए उनका नाम इसमें यूज़ किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, जो सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है उसमें एयर चीफ जो हमारे एयरफोर्स के जो चीफ थे जो कि रिटायर्ड हैं एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोवा बी एस धनोवा उनका भी नाम इसमें यूज़ किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, जो बचे हुए राफेल हैं वो आने वाले किस समय तक आएंगे उनके बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। द 10 डिलीवर्ड टू द एयरफोर्स 5 आर इन फ्रांस फॉर ट्रेनिंग। जो 10 एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे उनमें से 5 अभी फ्रांस में ही ट्रेनिंग पे हैं जिसमें कि पायलट्स एंड सपोर्ट पर्सनल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैव बीन गिवन कम्प्लीट ट्रेनिंग अबाउट द एयरक्राफ्ट। मतलब जो इंडियन एयरफोर्स का जो सपोर्ट पर्सनल है और पायलट्स है उन सभी की ट्रेनिंग वहाँ पर फ्रांस में करवाई जा रही है। एंड द वेपन सिस्टम बाय द दसॉल्ट इन फ्रांस। वो किसके द्वारा कराई जा रही है वेपन सिस्टम? दसॉल्ट जो कंपनी है वहाँ की फ्रांस की उसके द्वारा इस ट्रेनिंग को उन सभी पायलट्स की और सपोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग को करवाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस, जो भारत की एम्बेसी है फ्रांस में, उसमें ये कहा गया IAF बैचेस इंडियन एयरफोर्स बैचेस विल कंटिन्यू टू बी ट्रेंड इन फ्रांस फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स। मतलब जो इंडियन एयरफोर्स का जो बैच है जो कि इन राफेल को उड़ाएगा आने वाले समय में उन सभी की ट्रेनिंग चल रही है फ्रांस में और वो अगले 9 महीने के लिए ट्रेनिंग चल रही है। द डिलीवरी ऑफ ऑल द 36 इज शेड्यूल्ड बाई द एंड ऑफ 2021। क्या दोस्तों, 2021 के अंत तक ये सभी 36 के 36 राफेल भारत को डिलीवर कर दिया जाए। आइए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि ये जो राफेल भारत में आ रहे हैं ये हमारी कौन सी स्क्वाड्रन को ज्वाइन करेंगे। दिया दोस्तों, द फर्स्ट जेट्स विल कॉम्प्रोमाइज द रिसरेक्टेड नंबर 17 गोल्डन एरोज। दिया दोस्तों, हमारी स्क्वाड्रन जो कि एयरफोर्स की है गोल्डन एरोज उसमें ये शामिल होंगे और ये अंबाला में स्टेशन किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, द गोल्डन एरोज वर रेज्ड इन 1951। ये जो गोल्डन एरोज हैं इनकी स्थापना की गई थी 1951 में एंड हैव बीन इन्वॉल्वड इन अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस थ्रू दियर हिस्ट्री। ये सभी काफ़ी सारे ऑपरेशन में शामिल हुए हैं इंक्लूडिंग द करगिल वॉर। यहाँ तक कि करगिल वॉर में भी इन सभी का गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का यूज़ किया गया था। बट आफ्टर द एयरफोर्स स्टार्टेड टू फेस आउट द MiG-21 विच वर ऑपरेटेड बाय द गोल्डन एरोज। लेकिन जब से MiG-21 की शुरुआत की गई तब से गोल्डन एरोज का जो स्क्वाड्रन है वो डिसबैंड कर दिया गया था 2016 में। लेकिन वापस से राफेल के लिए इसको शुरू कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ एक नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।